और जब भैया कोई गरीब नहीं तो किका दिला दे, यह सब अमीर आदमी रहते हैं, जो कि कुछ लोग ऐसे पड़े जिनके घर में खाने का नहीं है, सब बच्चे बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर भी पास में नहीं कि जाके जल्दी दवा ले ले। हमारे यहाँ आदमी बीमार है, डेंगू बहुत चल रहा है। देखो चले इतना कचरा भरा है कि हम लोग रात में सो नहीं पाते हैं, बहुत मुसीबत है। बीमारी चल रही बहुत तेज, हर घर का बच्चा परेशान ही है। दूध का इतना कूड़ा पड़ा है कि जिका जवाब नहीं, तुम खड़े ना हो पे एक मिनट। सफाई ऐसे ना होते, सूखे में झाड़ू मारेंगे, नाली और बंद कर रहे हैं। 6-7 दिन से बुखार पड़े, खुद ही बुखार उतरता चढ़ता है, इतनी गंदगी फैल रही है यहाँ पे। मैं इधर से निकलता तो पानी भरा रहता है रोड पे, स्कूल के लेके वहाँ तक दिखाए चले, बिल्कुल इतना गंदा है कि तुम खड़े ना हो पियो। बच्चे नाने नाने हैं, काट लेते हैं, बुखार आता है, बच्चन इलाज कराते हैं हम लोग, और पैसा नहीं कहाँ से कराने बताओ। 10 साल हमको गए रहते हो, ना नाली बनी ना कोई रोड बनी, ऊपर ऊपर कूड़ा भर लेते हैं चले जाते हैं, झाड़ू नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। यहाँ जब कोई सुनवाई नहीं तो किसे शिकायत की जाए। नाला नाली जब सफा हुई है ना, चिंगोर मच्छर सब भाग जाए हैं, और कोई देखा है नहीं आओ। जैसे किसी को कनेक्शन लेना कुछ लेना हो तो यहाँ पे कोई लाइन ही नहीं है। नमस्कार, हिंद न्यूज डॉट लाइव के कार्यक्रम हेलो यूपी के इस प्रोग्राम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। अस्पताल के बगल से निकल रहे थे तो पता चला वहाँ पे कि डेंगू और टाइफाइड की जो है लोगों के यहाँ मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब आपको भी पता होगा कि डेंगू और टाइफाइड के मरीज क्यों बढ़ रहे हैं, साफ सफाई के कारण। तो हम आ गए अस्पताल के बगल वाले गांव में, जिस गांव का नाम है यूसुफ नगर बगिया मऊ। अब यहाँ पे लोगों को बैठे देखा, चाय पर चर्चा चली रही थी, तो पता चला कि इनसे बात करते हैं और इस बारे में जानते हैं क्या इनके गांव में तमाम काम क्या हो रहे हैं नगर निगम द्वारा, या यहाँ पे डेंगू के जहाँ से मरीज निकल के आ रहे हैं आखिर इसकी वजह क्या है। चाचा क्या कारण है आप यहाँ पे? गांव से हैं, यूसुफ नगर बगिया मऊ। यूसुफ नगर, आपका नाम क्या है? महेश, महेश मेरा नाम है। क्या कहना चाहेंगे कि आपके गांव में यूपी की सरकार ने निर्देश दिया है, योगी आदित्यनाथ जी ने, कि जल्द से जल्द जिस तरह के मरीज बढ़ रहे हैं डेंगू और टाइफाइड के, जगह जगह गांव में फॉगिंग कराई जाए? यूसुफ नगर बगिया मऊ महेश बोल रहे, जो गंदगी फैली एक नाला हमारे सपा की नाला, नाले को पानी निकल नहीं रहा तो गंदगी तो फैल भी करी, नाला सफा कराने की। तो यहाँ नाला सफा नहीं हो रहा है? हाँ, नाली नहीं सफा हो रही। अच्छा, हाँ, नगर निगम वो आते, और नगर निगम कब से आया यहाँ पे? वो बहरे से झाड़ू मार के। अच्छा, अरे हो गए 2 महीने। अच्छा, हाँ 2 महीना हो गए। 2 महीना हो गए, हाँ झाड़ू लगा 2 महीने। आप सुन रहे हैं कि नगर निगम यहाँ को यहाँ पर लगे हुए हो गया, अब ये नगर निगम क्षेत्र में आने लगा ये पूरा गांव, उसके बावजूद यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है चाचा कि काम ना होने का कारण क्या है? हमारे इधर जो है, इधर सामने देखो चले इतना कचरा भरा है कि हम लोग रात में सो नहीं पाते हैं, बहुत मुसीबत है। बड़े बड़े मच्छर इधर काट ले चले, रात भर नहीं सो पाते बच्चे लड़का सब, बहुत मुसीबत है। तो सरकार जो निर्देश दिए नगर निगम को कि जगह जगह फॉगिंग कराए, फॉगिंग वाले नहीं आ रहे? नहीं, कहाँ करा रहे, कहीं कुछ नहीं करा रहे। देखो चले तुमको अभी दिखाई चले, दू जगह इतना कूड़ा पड़ा है कि जिका जवाब नहीं, तुम खड़े ना हो पे एक मिनट। चाला बादा पानी, रोड पर पानी भरा है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से रोड दिखाना चाहूंगा कि रोड देख रहे हैं, ये गोल्ड सिटी की VVIP रोड मानी जाती है, और उसी के बगल में ये गांव है, नाम है यूसुफ नगर बगिया मऊ। स्कूल के बगल में सामने, देखो चले दिखाई चले। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम भैया का है, क्या कह रहे हैं? जूनियर स्कूल। हाँ, तो क्या यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं? हाँ आते हैं। और उसके बगल में गंदगी है? गंदगी है, नाला। 5वें तक है स्कूल, है 8वें तक, 5वें तक स्कूल, वही बाउंड्री के सामने दिखाई चले। भैया इतना कचरा है, तुम रुक नहीं पाइए एक मिनट, अब चलो दिखाई चले। तो आपने शिकायत तो की होगी? शिकायत किसे कर दी? नगर निगम के जो लोग आते हैं, ऊपर ऊपर भर लेते हैं कूड़ा, चले जाते हैं। क्या? ऊपर ऊपर कूड़ा भर लेते हैं चले जाते हैं, झाड़ू नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, तो खींच के भेज देते कि हम यहाँ साफ सफाई करते। अरे भैया हम ना मोबाइल, हाँ हाँ, सफाई ऐसी ना होती, सूखे में झाड़ू मारेंगे, नालियाँ और बंद कर रहे हैं, नालियाँ और बंद कर रहे हैं, और बंद कर रहे हैं। कूड़ा कहाँ ले जियो, कूड़ा तक का नाली जाम है।
गंदगी फैल रही, डेंगू तो लग। आप युवा हैं, आप इधर एक मिनट आप बैठिए तो जरा। आप इस गांव से निकल रहे थे तो हमने सोचा आपसे बात कर लें। क्या लगता है गांव में साफ सफाई नहीं हो रही क्या नगर निगम द्वारा? मैं तो बाहर का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप बाहर के रहे? हाँ, मैं बाहर। नहीं तो गांव में अभी रहने आए हैं ना, कब से रह रहे हैं आप गांव में? सफाई नहीं हो रही भैया, अभी हमें इधर से निकलता तो पानी भरा रहता है रोड पे। हाँ, रोड पे पानी यानी भरा रहता है यहाँ पे। वही मैं कह रहा हूँ, आप बाहर से आए हैं, बाहर की साफ सफाई आप किस तरह देखते हैं और उसके बाद आप यहाँ जिस गांव में रहने आए हैं? रहती है वैसी, साफ सफाई नहीं रहती है रोड के बाहर। यहाँ गोल्ड सिटी पड़ रहा है और जिस तरह की यहाँ साफ सफाई की जा रही है और अंदर कुछ काम ही नहीं किया जा रहा। नहीं किया नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं। हाँ, सुबह झाड़ू लगाने लोग आते हैं? झाड़ू लगाने मुश्किल नहीं आते, नहीं आते हैं, देख भी नहीं दिखे तो आ गए। 8 दिन में 10 दिन में आ गए, महीना खान में कहा 8-10 दिन में। और क्या साहब, हमारे खेत उधर महीना भर हो गए लगाए हैं और कूड़ा जो है हमारे सामने जो एक साहब रहते हैं वो बहवाए हैं नगर महापालिका से। घूमे तो पानी भरा 2-3 जगह देखा रोड पे। हाँ, रोड पे भरा रहता है 2-3 बार में इधर। आशरे नाला नाली जब सफा हुई है ना, चिंगोर मच्छर सब भाग जाए हैं और कोई नहीं आवाज़। अच्छा, हाँ हाँ भाई, तुमको अभी चलो हम दिखाएं यहाँ से लेके अपने घर तक, यहाँ से लेके स्कूल के आगे थे, हाँ पासी में ही सामने। अच्छा। स्कूल के लेके वहाँ तक दिखाएं, चले बिल्कुल इतना गंदा है कि तुम खड़े ना हो पी हो। बच्चे नाने नाने हैं, काट लेते हैं, बुखार आता है, बच्चे इलाज कराते हैं हम लोग। अरे बाप, और पैसा नहीं कहाँ से कराते बताओ, गरीब आदमी। अभी कितने बच्चे यहाँ से जो है अस्पताल जा चुके हैं डेंगू और टाइफाइड के? ये तो भैया हमने बीमारी चल रही बहुत तेज, हर घर का बच्चा परेशान ही है। यही जो छोटे मोटे डॉक्टर हैं उन्हीं से दवा पानी लेते रहते हैं अपना। इस तरह की लापरवाही नगर निगम द्वारा हो रही आप देख सकते हैं। और ठीक जो है गोल्ड सिटी के ठीक ये रोड है और रोड के बगल में गांव जा रहा है और नगर निगम आता है सुबह सुबह सूखे में यहां पर आकर के साफ सफाई करके फोटो खींच कर चला जाता है। ये सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही नगर निगम द्वारा अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही है। आइए जरा दिखाइए आप जरा गाँव। आइए अब हम देखने जाएंगे यहाँ पे, पूरा पुख्ता सबूत हम आपको देंगे इसके साथ कि हम एक गांव में जा रहे हैं, एक गांव में गंदगी ना साफ सफाई और ठीक तरीके से नगर निकाल करके यहाँ सूखे। आप देख सकते हैं किस तरह यहीं से गंदगी शुरू हो गई। हम तो अभी रोड के जस्ट बगल से चल रहे हैं और यहाँ पे ना साफ सफाई हो रही है ना ठीक से पेड़ काटे जा रहे हैं जी। और क्या कहना चाहेंगे, और क्या बताएंगे आप? अरे बच्चे हमारे बीमार हैं यार, बीबी बीमार है और देखो हमारे बुखार भी बहुत तेज चल रहा, अब पैसा नहीं बताओ इलाज कहाँ से कराएं, सबसे समस्या तो ये है। तो क्या वैसे आप काम क्या करते हैं? काम मिस्त्री का करते हैं। अच्छा, हाँ मिस्त्री का काम करते हैं, मगर देखो तो लगा इतना। तो यहीं आसपास के बड़े बड़े बंगले और घर आपके हाथों द्वारा बने हैं? हाँ हाँ, तो हम लोग बनाए हैं, असल में जब से काम चला है तब से काम किया है, कहीं वहाँ किया कहीं वहाँ किया। सूबे के मुख्यमंत्री योगी नाथ का आदेश आता है कि 10 अक्टूबर से पहले रोडों की मरम्मत कर दी जाए और ये है हमारे ठीक गोल्ड सिटी के बगल की रोडों की मरम्मत। आप देख सकते हैं किस तरीके से सरकार कितना बढ़िया काम कर रही है और उनके नीचे अधिकारी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके ये स्कूल है, ये सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल के ठीक बगल में गंदगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही। यहाँ पे गांव में आसपास की गंदगी है और यहाँ तमाम यहाँ के लोग रहने वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम आप क्या कहना चाहेंगी कि जिस तरीके से गांव में जो है गंदगी हम देखें अभी आते ही और ये नगर निगम के अंडर भी अब आ चुका है और सरकार निर्देश करती है कि तमाम जो है गंदगियों को साफ़ किया जाए और वहाँ से जो भी निवासी आसपास रह रहे हैं वो भी अपना थोड़ा साफ़ सफाई रखें और जिस तरीके डेंगू और टाइफाइड के मरीज बढ़ रहे हैं अस्पतालों में उस पर आप क्या कहेंगी? यह गंदगी बहुत रहते हैं, मच्छर बहुत हुआ है, नाली वाली हुई नहीं साफ हो रही, सब नाली खुला पड़ रही हैं और बच्चे बीमार हो रहे हैं, सब बुखार बहुत जोर चल रहा है, सब गंदगी बहुत है सब आस पास है। इस गाँव से अभी तक कोई बीमार हुआ है? हाँ भैया, बहुत बीमार हुए हैं। क्या कहना है? हमारे यहाँ आदमी बीमार है, डेंगू बहुत चल रहा है इस समय बहुत। आप लोग शिकायत किसी से की या कोई जो नगर निगम के अधिकारी हैं जो काम करने आते हैं? यहाँ जब कोई सुनवाई नहीं तो किसे शिकायत की जाए? शिकायत तो हुआ थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं, क्या किया जाए?
क्या कह रही दादी? 6-7 दिन से बुखार पड़े, खुद ही बुखार उतरता चढ़ता है, इतनी गंदगी फैल रही यहाँ पे। हमारे घर के सामने देखिए चले कितनी गंदगी, सब नर्दहा पानी सब भरा है। अच्छा, सरकार अभी कुछ ही दिन पहले अभी योगी आदित्यनाथ जी ने के निर्देश दिए हैं अपने से सारे अधिकारियों की कि 10 अक्टूबर जो बीत चुका है वहां पर रोडों की मरम्मत करा दी जाए, पर रोडों की मरम्मत यहां देखी नहीं गई। तो क्या लगता है कि सरकार सिर्फ कहती है और काम नहीं करती? पप्पू भैया अपने घर के सामने चलो दिखाएं, चल के चलो दिखाते भैया। नहीं, हम जो आपसे कह रहे हैं मतलब जिस तरह की रोडों की मरम्मत आप सरकार बात करती है, कभी कुछ नहीं बना, ना कोई रोड बनी ना कोई नाली बनी, पानी ऐसे बह रहा, हमारे घर के सामने सब नाली बह रही हैं, उसी में सब मच्छर बैठे, घर के सामने बैठते मच्छर काटते हैं। तो नालियां यहाँ पे कब से, मतलब ये कब से नहीं बन रही है? अरे ये बहुत दिन से नहीं नाली बनी है, कई साल हो गए नाली बंद गए, अब उनसे जो कहो हो गए रहते हुए यहाँ पे 10 साल। 10 साल हम पहले डालीगंज में रहते थे, अब यहाँ रहते 10 साल हमको हो गए रहते, उन्हें नाली बनी ना कोई रोड बनी, नाली बदबू कर रही है, बच्चे बीमार है, सब बच्चे बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर भी पास में नहीं कि जाके जल्दी दवा ले ले, और नालियां इतनी गंदी बसा रही हैं, कुछ कहने की बात नहीं, कोई सभासद भी वो भी नहीं, कोई सुनता है कहाँ, कम से कम इसको भी करवा दिया जाए। गाँव का भी देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे बाहर 200-300 मीटर की दूरी होगी, और बड़े से बड़े बंगले और बड़े से बड़े अधिकारी, एक से एक बड़े से कंसल में आइए सभी बैठे हुए हैं, जज भी रहते हैं, वकील भी रहते हैं, बड़े बड़े नेता भी रहते हैं, मंत्री भी रहते हैं, उसके बाद भी इस गांव की मौजूद यहां पे जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही, सब नाली गंदगी हो रही है, यहां पे रहते हैं सामने दो जेलर रहते हैं, यहां कभी कुछ सुनवाई नहीं होती है। हम लोग घर में रहते हैं, देखो हमें घर के सामने देखो चल के कितनी गंदगी है। सर भैया लड़ाई हो गई सफाई करने के लिए, कितने बार लड़ाई हो गई, कहाँ सफा कराए, ना कुछ नहीं बनवा रहे, ना सीवर बनवा रहे। यहाँ से वो अपने घर पे काम देते होंगे, यहाँ पे तमाम गांव वालों को, यहाँ पे तमाम लोगों को काम देने आते होंगे, उसके बाद कई कथा सुतरा का अंसल ने कि हम गाँव की देखभाल इसका वो हम डेवलपमेंट करेंगे, अंसल खुद इसका एग्रीमेंट हुआ है, तमाम हजारों करोड़ रुपए निर्देश किए जाते हैं सरकार द्वारा, पर वो सब सबके जेब में जा रहा है। सरकार आती है जैसे कोई कुछ मुंग मंत्री लोग आते हैं तो मालूम यहाँ लोग क्या कहते हैं, 2-4 आदमी कि यहाँ पे कोई गरीब है ही नहीं, कोई सुनवाई इसलिए हम लोग नहीं होती, कहते यहाँ तो सब बड़े बड़े आदमी पैसे वाले तो कोई सुनवाई नहीं होती, यहाँ कोई गरीब हुए तो हम कुछ दिलाए, और जब यहाँ कोई गरीब नहीं तो किसका दिला दे, यहाँ सब अमीर आदमी रहते हैं, जो कि कुछ लोग ऐसे पड़े जिनके घर में खाने का नहीं है, आपने खुद देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें की, और शौचालय आप देख सकते हैं कि शौचालय बना हुआ है, ये सरकार द्वारा शौचालय बनाया गया है, जिस सरकार द्वारा शौचालय बनाए जाने के बावजूद यहाँ पर तमाम अभी तक कोई काम नहीं किए, और ताला लगा हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा ये गेट जाम है, और यहाँ ना लोग आ सकते हैं ना जा सकते हैं, ये ऐसा क्यों है यहाँ पे जो है सरकारी, ये तो सरकारी है, कोनो सुनवाई नहीं कर, कोई सुनवाई नहीं कर रही है, सीवर यहाँ नहीं पड़े हैं, हाँ यहाँ नहीं है, और ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पोटे मतलब बेसिकली यहाँ पे कोई भी मैप ड्रेनेज सिस्टम का नहीं बनाया गया, और खम्भे भी तो यहाँ नहीं लगे हैं, जैसे किसी को कनेक्शन लेना कुछ लेना हो तो यहाँ पे कोई लाइन ही नहीं है, यहाँ दूर दूर तक यहाँ खम्भे ही नहीं है बिजली के। तो आप देख सकते हैं गांव के तमाम लोग यहां पर खड़े हैं, तमाम लोगों से यहां बातचीत हुई है, घर के बाहर आकर के वो खुद चिल्ला चिल्ला के अपनी सिर्फ एक बात कहने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोगों से ये विनती कर रहे हैं सरकार से और तमाम से कि भाई यहां पर साफ़ सफाई करा दी जाए, हमारे बच्चे यहां पर आसपास डेंगू से पीड़ित हैं और टाइफाइड से पीड़ित हैं, हम रोज़ अपने बच्चों को लेकर के अस्पताल जा रहे हैं और हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, उसके बावजूद जो है किस तरीके से यहाँ पे पानी गंदगी पन्निया नगर निगम की लापरवाही देखी गई, शिकायत भी की गई पर कोई सुनवाई नहीं, बताया जा रहा है कि गोल्ड सिटी वालों ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि साफ़ सफाई कराई जाएगी, बट अभी तक कोई भी साफ़ सफाई गोल्ड सिटी द्वारा एक बार भी यहाँ पर नहीं कराई गई है बात। और दूसरी बात करें, सबसे बड़ी बात जो योगी सरकार द्वारा अभी जल्द से जल्द निर्देश दिए गए कि रोडों की मरम्मत कराई जाए 10 अक्टूबर से पहले, रोडों की हालत आपने अपनी आंखों के सामने देख ली, जिसमें मात्र 100 मीटर भी नहीं,
10 कदम की दूरी पे गोल सिटी की रोड जा रही है। यहाँ पे स्कॉन टेंपल है, बड़े से बड़े मंत्री, अधिकारी, एडवोकेट, बड़े से बड़े जेलर और जज रहने के आसपास बावजूद यहाँ पर इस गांव की कोई भी देखभाल नहीं की जा रही है। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।